अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट एलिज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई तमाम रहमतों को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे और सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। व्यूअर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद हैं मॉल ऑफ मुल्तान में, जहाँ करते हैं हम बहुत ज़्यादा फ़न। हमें मिलते हैं हर एज के लोग जो बड़े फ़नी होते हैं, जो बड़े एंटरटेनिंग होते हैं, जिनसे बात करके हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, बहुत कुछ गेन भी करते हैं और बड़ा फ़न भी करते हैं उनके साथ, यानी बच्चे बूढ़े बड़े हर तरह की। वो कहते हैं ना एज डजंट मैटर, तो यहाँ पे वही सिनेरियो है कि एज बिल्कुल मैटर नहीं करती और हमारे साथ वो इस तरह घुल मिल जाते हैं कि जिस तरह हमारी अपनी फैमिली होती है और उसी एनवायरनमेंट को आप लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा क्राउड है, लोग हैं, रश है, गर्मियाँ हैं, समर वेकेशंस हैं, लेकिन लोगों का जो ज़्यादातर रुख होता है वो ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर उन्हें गर्मी ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। और क्योंकि ख़ास तौर पर बच्चे होते हैं उनके साथ, फैमिलीज़ के साथ, उनकी कोशिश होती है कि ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे एक ही जगह बैलेंस्ड किस्म का फ़न भी हो जाए, काम भी हो जाए, यानी शॉपिंग भी हो जाए, तमाम चीज़ें हो जाए, खाना पीना भी हो जाए, बच्चों के लिए जॉयलैंड शॉयलैंड झूले झूले हर चीज़ हो जाए। तो जी, आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो आइए चलते हैं मेरे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं और अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस। यूनिस, मोहम्मद यूनिस, आप क्या करते हो? मैं इस टाइम ब्लिंक होटल में वेटर जॉब करता हूँ। अच्छा, ब्लिंक? हाँ, इंटरनेशनल होटल। ओह वाओ, इंटरनेशनल होटल में आप काम करते हैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अभी फर्स्ट मंथ है, तो अभी रिसेंटली एफएससी की है मेडिकल। अच्छा, तो उसके बाद स्टडी क्यों नहीं कंटिन्यू की? अभी रिजल्ट को दे रहा है 4 माह। तो आपने सोचा उस जो टाइम को है वो यूटिलाइज किया जाए? जी मैम, उसको चलो बहुत किया जाए, तो इसलिए घर में बंदा फ्री भी अच्छा नहीं होता, तो जिस वजह से ऐसा वेटर जॉब करो, 1 मंथ हो रहा है तो 20,000 सैलरी है। बहुत अच्छी बात है, यानी ये सोच होना आपकी कि आपको फारिग रहने से बेहतर है कि आप कोई जॉब कर लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर यूनिस, मुझे ये बताओ आप कि यहीं से मुल्तान के शहर के? जी मैम, मुल्तान से। अच्छा, तो आप भी आए किसके साथ हो आप? मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। अच्छा, तो क्या क्या प्लान्स हैं, क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल पिज़्ज़ा खाना है, और KFC पे पिज़्ज़ा खाना है? नहीं, KFC पे पिज़्ज़ा नहीं होता, सॉरी, मैकडोनल्ड पे। अच्छा, पिज़्ज़ा खाना है? जी मैम। अच्छा अच्छा, मेरा ना एक मिथ था कि जो होटल्स में जॉब करते हैं तो उनको खाना वहाँ का मिलता है, ऐसा है? जी मिलता है। यार आप लोगों तो बड़े मज़े होते होंगे। फुल मज़े होते हैं। ओ माय गॉड, मैं अभी इमेजिन कर पा रही हूँ, और कितने खाने होते होंगे, डिफरेंट खाने, डिफरेंट वैरायटी, आप दिल भर के खाते रहे? जी दिल भर के खाते हैं, रिहाइश भी वही देते हैं, तो खाने तो बस बात ही ना करें, बस क्या बात है? कम होते हैं वैसे, और खाना, लेकिन और खाना बहुत मज़े का भी होता है। मज़े का होता है, मटन, क्या बात है, चिकन कढ़ाई, कढ़ाइयाँ, मटन। अच्छा, कुछ रहते हुए वहाँ पर रहते हुए आपने कुछ सीखा भी है? जी बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि? एक तो नौकरी नहीं करनी। नहीं, मतलब खाना बनाने में कुछ सीखा? नहीं नहीं, वो नहीं सीखा, काम की चीज़ सीखी नहीं है। मेरा वहाँ पे शौक ही नहीं है, एक बंदे का शौक होता है, तो एज अ वेटर जॉब करना एक मेरा शौक भी था। अच्छा, तो वैसे भी बंदा शौक क्यों था ये? एक बार मैं भावलपुर गया था, वहाँ पे ट्रिप हमारा काले ले गए थे। अच्छा, तो वहाँ मैंने एक वेटर को देखा था जो हमें खाना सर्व कर रहा था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मेरा एक शौक था कि मैं किसी न किसी दिन एज अ वेटर ज़रूर जॉब करूँगा, तो बस इसी में अल्लाह पाक राजी थे, तो फिर लग गए। चलो दैट्स रियली गुड। चलिए सवाल करते हैं आपसे, यूनिस आपने जवाब देना है, मुझे बताओ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम क्या है? सही जवाब देना है? हाँ बिल्कुल सही जवाब देना। आपको जवाब को पता है? हाँ मुझे पता है। चलो बता दें। नहीं मुझे तो पता है, मैं नहीं बताऊँगी ना, आप बताओगे। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी? आलू मटर। अच्छा नहीं है ये आलू मटर? कहीं ना कहीं थोड़ा करीब करीब हो। और क्या होती है? तुरी? तुरी? तुरी क्या होती है? तोरियां होती है, तुरी बना दिया। तुरी बोलते हो उसे सराइके में? अच्छा सही सही, सराइकी बोल लेते हो? जी जी बोल लेते हैं। अच्छा ठीक हो गया। चलो टंग ट्विस्टर का मतलब समझते हो? यानी कुछ मैं ऐसे सेंटेंस बोलूंगी जिसको आपने रिपीट करना होगा 5 दफ़ा, ठीक है? 5 दफ़ा? हाँ, और तेज़
आपने बोला पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल एक बार रिपीट करें आराम से। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीतल पतीला पतीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। स्लो मोशन में चली गई हूँ, अब भी नहीं होगा। एक बार रिपीट करें बस। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीते पे पपीला पीला। मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी इसको। प्योर सवाल देख लें, प्योर सवाल देख लें। अच्छा चलो, ये हार्ड है। ये अच्छा, मैं आपको बड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, आप वो मुझे। ओके सही है। ऐ फूल ये फूल मेरे फूल को देना, उसे कहना ये फूल तुम्हारे फूल ने दिया है। ऐ फूल ये फूल मेरे फूल को देना, उसे कहना ये फूल तुम्हारे फूल ने दिया। मुझे लगता है आपको पता था पहले। नहीं, मैंने पहली दफा सुना है। नहीं, आपको पता था पहले। सिर्फ तवज्जो की जरूरत होती है, कोई भी ऐसी चीज जो आप तवज्जो से सुने आपको आ जाती है। मुझे नहीं आ रही, थोड़ा वीक माइंड है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो, जिंदगी में क्या सोचा? इन फ्यूचर आगे BS करना है, MLT लैब टेक्नीशियन में जाना है इंशाल्लाह। तो अभी ये रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में। रिजल्ट आने वाला है? हाँ बिल्कुल, रिजल्ट आने वाला है जी। तो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में, अगर सरकारी हो गए तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। इतने अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, पता भी है खुद को कि मार्क्स इतने अच्छे नहीं होंगे। तो किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला देने के, इंस्टीट्यूट में जाके MLT करोगे? MLT करेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी जाओगे मेडिकल फील्ड में। हाँ मेडिकल फील्ड में जाएंगे। कुछ आता है आपको, कोई शेर, कोई गाना शाना कुछ भी सुना दो आप। गाना या शेर? चलो जो आपका दिल करे वो सुना दो। जो दिल करे? आओ जो दिल करे। सोच लूं? सोच तो लिया है, जो दिल करे क्या सुनाऊं क्या। चलो जहाँ भूल जाओगे मैं थोड़ा सा साथ दूंगी। साथ दूंगे? अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या। एक नात है वो पढ़ देता हूँ। अच्छा नात पढ़ दो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना के जन्नत बहुत है हसीन, छोड़ कर हम मदीना न जाएं कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। इतनी अच्छी आवाज़ आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे पढ़ते रहते हो? बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा है आपसे बात। बहुत शुक्रिया आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। चलो खुश रहो ऐसे ही, ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, कुछ भी हो ये नहीं जानी चाहिए। ओके अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे और आप लोग ज़रा पानी शानी पिए, ठंडे 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 मशरूबात पिए और इन्जॉय करें, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। ब्रेक के बाद आ गए हम वापस, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। और यकीनन आप लोगों ने ठंडे ठंडे डिफरेंट मशरूबात पी के अपने आप को ज़रा कूल डाउन रिलैक्स कर लिया होगा, इन्जॉय कर रहे होंगे। और ब्रेक के बाद हम वापस आए, हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल फिट हूँ, फाइन। आप बताएँ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए काम में। बिल्कुल ठीक। और आप सुनाएं, तबीयत सर ठीक है? मैं बिल्कुल फिट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। फरहान क्या करते हो?
मैं ब्लिंग होटल इंटरनेट ब्लिंग। अच्छा, आप भी होटल में काम करते हो? अच्छा, पढ़ाई का क्या सिनेरियो है? पढ़ाई बस मैट्रिक तक की है, तो फिर उसके बाद जॉब के सिलसिले में अभी कुकिंग वगैरह भी। पढ़ाई आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? बस कुछ ऐसे। अब तो गवर्नमेंट भी बड़े मौके दे रही है। जी जी, वो अभी आगे करनी है, लेकिन अभी फिलहाल मैट्रिक तक की है, अभी आगे नहीं। आगे पढ़ने का इरादा है, क्विट नहीं करने, क्योंकि इंसान के जो स्किल्स होते हैं और स्टडी होती है, एजुकेशन और स्किल्स, ये हमेशा काम आते हैं। ठीक है, ओके। बताएं मुझे कि सवाल पूछते हैं आपसे, एक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम क्या है? आलू मटर। आलू गाजर। कद्दू। नहीं बताऊं? मैं क्यों बताऊं, सवाल तो आपसे पूछा है। बताओ। बैंगन। बैंगन नहीं। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूंगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफा। ठीक है, ठीक है। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में। एक दफा और बोले। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 क्या बात है, क्या सुनाओगे आप हमें? मैं नाच सुना दूँ? सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे रब्बे जल्लल्ला माफे कल्बे गैरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। हस्बे रब्बे जल्लल्ला माफे कल्बे गैरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। अच्छा जी, तो मॉल में क्या करने आए हो? मॉल में बस घूमने फिरने आए हैं। सही है, जब होटल में जॉब करते हो तो वहाँ पे सबसे जो अच्छा खाना होता है वो आपको कौन सा लगता है? बिरयानी। अच्छा, आप बना भी लेते हो? मैं अभी सीख रहा हूँ, कुछ बना लेता हूँ, कुछ अभी सीख रहा हूँ। कुछ कुछ बना लेते हो, कुछ कुछ सीख रहे हो? अभी न्यू सीख। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद उसामा। उसामा, क्या करते हो आप? मैंने रिसेंटली अभी मास्टर्स किया। मास्टर्स कर लिए? जी। लगता नहीं। मैंने बीबीए किया मार्केटिंग में। ओके, मार्केटिंग में बीबीए किया है आपने, तो इस फील्ड को कंटिन्यू किया है, आगे क्या जॉब शॉप कुछ भी? फिलहाल कोथम कॉलेज से ना टूर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, एक मार्केटिंग एक डिफरेंट फील्ड है, और जो आप टूर मैनेजमेंट का एक कोर्स कर रहे हैं वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, क्यों? जी, मतलब ये क्यों स्टार्ट किया? बस वो डिफरेंट इसलिए कि फ्री था, तो मैंने सोचा कि फ्री रहने से बेहतर है कि कुछ कर लेना चाहिए। पढ़ लिया? जी बिल्कुल। दैट्स रियली गुड। अब आप लोगों ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया, मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी अब फ्री नहीं रहना चाहिए, मैं भी कोथम में ही एडमिशन ले लूँ। जी, कोथम बहुत अच्छा है, आप आए वहाँ पे शेफ़ की क्लासेस हो रही हैं और होटल मैनेजमेंट के काफ़ी कोर्सेज। अच्छा, हो रहे हैं। आपने शेफ़ का कुछ क्यों नहीं सीखा? बस मैंने लिया तो शेफ़ वाले में था, लेकिन उसमें ना सीट्स काफ़ी रिजर्व ज़्यादा थी, तो जहाँ पे फिर मौका मिला वहाँ पे आ गया। ओके, मौका आपको यहाँ पे मिला तो मौका नहीं गवाया। ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आप अपने यानी आप अपनी आराम व सुकून को साइड पर रख के, जी गर्मी है फलाना है, वरना आजकल लोगों के पास बहाने बड़े हैं। yes, उन चीज़ों को छोड़ के आप कहते हैं कि जी मैंने लर्निंग पर्पस के लिए वहाँ पर जाना है। दैट्स रियली गुड। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आपको शायरी सुनाऊंगा। सुनाओ। मिसालें देंगे लोग मेरी किस्मत की, मिसालें देंगे लोग मेरी किस्मत की, तुम आ जाओ मेरी किस्मत के हिस्से में। क्या बात है, किसको कह रहे हो, किसको बुला रहे हो? अभी तक तो कोई नहीं है लाइफ में, शायद कोई आगे आ जाए। अच्छा, शायद कोई आगे आ जाए। अच्छा चलो, सवाल करते हैं आपसे, एक मुझे बताओ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली सब्ज़ी का नाम क्या है? भिंडी। नहीं। आलू। सोच लें। आलू ही लगता है मुझे तो, आलू ही खाते हैं लोग ज़्यादातर, आलू मुंगरे बना लेते हैं, आलू चीज़ में घुस जाते हैं, आलू आलू हर चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं। ओके चलें, बी एन आलू इन योर लाइफ है ना? जी बिल्कुल, अपनी लाइफ में आलू बन के रहें, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएं, कहीं पे भी फिक्स हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा चलें, ठीक हो गया। खाना शाना बना लेते हो आप वैसे? बस ट्रस्ट है क्योंकि आपने कहा कि मैं तो शेफ़ बनना चाहता था। जो हमें टूर मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहे हैं ना कोथम वाले, उसमें हमें शेफ़ की क्लासेस भी देते हैं वो। अच्छा, तो सीखा क्या क्या? रेसिपीज़ आए हैं काफ़ी सारी। अभी तक क्या सीखा? मिंट मार्गरीटा बना लेते हैं और
पकौड़े वगैरह बना लेते हैं हम, और कढ़ाई वगैरह भी। कढ़ाई भी बना लेते हैं। कढ़ाई की रेसिपी बताओ ज़रा कैसे बनाते हो, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ना एक प्रॉब्लम उसमें आ जाता है। प्रॉब्लम बताऊँ आपको? प्रॉब्लम आता है उसमें ये कि प्याज बड़ी मुश्किल से गलता है। असल में ना आप जब प्याज की पहले तो होती है कटाई, जब आप कटाई करते हैं वो मैं क्यूब्स में काटती हूँ, बट स्टिल। लेकिन बस वो ये है कि अब अपने अपने बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह से बनाते हैं। मैं चाहती है मैं ना ही पकाऊँ। बनाने के लिए बना रहा है, खाने के लिए बना रहा है, या जान छुड़ाने के लिए बना रहा है? खाने के लिए, क्योंकि मुझे कढ़ाई बनाने में बड़ा मज़ा आता है। सही है। आप कैसे बनाते हो कढ़ाई? नहीं अभी हमने बनाई नहीं है, रेसिपी ट्राई नहीं की, लेकिन वैसे रेसिपी है। कौन सी रेसिपी ट्राई की है? मिंट मार्गरेटा बनाया। बस कैसे बनाते हो मिंट मार्गरेटा के लिए ये होता है कि पहले नींबू वगैरह ले लेते हैं, उनको अच्छी तरह उनके नींबू लेने हैं या नींबू वगैरह लेने हैं? नींबू लेने हैं। आप अच्छा चलें जी, आपने नींबू ले लेने हैं। कोई नींबू नहीं लेने, कोई लींबू नहीं लेने, कोई वगैरह नहीं लेने, ओनली लींबू। नहीं लींबू लेने हैं आपने, उसका अच्छी तरह से रस निकाल लेना है। उसके बाद आपने पुदीना लेना है, जितना भी हो सके 5 या 6 गटियाँ ले लें। जितना भी हो सके, यानी जितना भी आपको पुदीना मिले आप डाल दें। नहीं नहीं 5 या 6 गटियाँ होनी चाहिए ना। चलें ठीक है, डिपेंड करता है ना कितने लोग पीने वाले हैं। ओके तो उसके बाद आइस ले लें, आइस को अच्छी तरह से क्रश कर लें आप। क्रश करने के बाद जो पुदीने के साइड पे लगे होते हैं उनको भी क्रश कर, उनको अलहदा अलहदा करना है मतलब हाथ से। और उसके बाद फिर आप मतलब सब चीज़ों के ग्राइंडर के अंदर मिक्स करें, मिक्स करने के बाद रेडी। उसके बाद स्प्राइट डालना भूल गए? स्प्राइट भी डालनी है ना, वो तो बाद में डालनी है ना। जब मैं बता रही हूँ कि यार ये भी डाल लो, मिंट मार्गरेटा अच्छा बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा ऐसे। चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ है, लोग खुल के जीना चाहें, जिस तरह जीना चाहें जिए, सही लाजमी जिए। लेकिन आप जीते हो? जी जी मैं भी जीता हूँ। कैसे? खुल के जीते हैं बस। खुल के जीने से क्या मुराद है? मतलब ये कि अपनी लाइफ को ना इंसान स्टक ना करे किसी जगह पे भी आके। इंसान होता है ना कि लाइफ में कभी इंसान फेल हो जाता है या कहीं पास हो जाता है, लेकिन यानी किसी सिचुएशन, किसी इंसान, किसी के लिए भी अपनी लाइफ में एक जगह आपने रुकना नहीं है। नहीं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें बस। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। ओके जी, अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गए हम वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। जैसे अभी ब्रेक से पहले उन्होंने मिंट मार्गरेटा की रेसिपी बताई, तो यकीनन आपने उस रेसिपी को फॉलो नहीं करना कि जितना भी पुदीना दिल चाहे आप उठा के डाल दें। बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी। जितने आपने ग्लास लेने हैं क्वांटिटी के हिसाब से आपने उतना ही पुदीना डालना है, और स्प्राइट लाजमी डालनी है। खैर ये गर्मियों में एक ऐसे ड्रिंक है जिसको पीने से आपका स्टमक भी बेहतर होता है, आपको भूख भी लगती है, और पुदीना वैसे ही सेहत के लिए, स्टमक के लिए, आपकी गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि वंस इन अ वीक लाजमी वो पी लें। बाकी ठंडे मशरूबात तो पीने लाजमी चाहिए, क्योंकि जिस तरह और जिस कह लें कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा गर्मी इस वक्त पाकिस्तान में पड़ रही है, उस हिसाब से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है। तो उसको हाइड्रेट करें, पानी पिएं, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर सकें। इसी के साथ हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजीब खेतरन। अच्छा मुजीब, कहाँ से आए हो? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से आए हो? हमारी भी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे लोग थे, हमारे फ्रेंड सर्कल में थे जो बलूचिस्तान से आए थे। वहाँ के कल्चर के बारे में मुझे हमें बताओ कि क्या कल्चर है वहाँ का, मतलब किस लिहाज से कल्चर क्या है वहाँ का, खाना पीना? खाना पीना अजीब चीज़ें, मतलब कपड़े अजीब चीज़ें हैं, बस अजीब चीज़ें हैं। अब क्यों अजीब क्यों है, तो क्यों लगता है कि वो अजीब है? मतलब अलग माहौल है जैसे बलूचिस्तान। मुझे तो वो बहुत पसंद है, वहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। अच्छा तो खाने पीने में आप लोग ज़्यादा शौक से क्या खाते हो? सब्जी खाते हैं। सब्जी खाते हो, और इसके अलावा जो आम रूटीन में बनते हैं खाने, वो दम्बो ज़्यादातर, मतलब दुम्बे वगैरह ज़िबा करते रहते हैं। अच्छा, यानी वहाँ पे कॉमन है? जी कॉमन है, मतलब हर रोज़ मेहमान आ जाए दुम्बा ज़िबा कर देते हैं। दुम्बा ज़िबा कर दो जी। क्या बात है, खौफ आने लग गया। क्यों? अच्छा अगर सब्ज़ियाँ खानी पड़े तो आप लोग फिर कौन सी सब्ज़ियाँ खाते हो? हम सब्जी ज़्यादातर भिंडी खाते हैं बलूचिस्तान में अक्सर जितना। तो आप लोगों के बलूचिस्तान में लोगों के जो रंग होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, यानी रंग तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की ना एक नेचुरल कलर है और सबका वैसा ही है। मतलब नेचुरल कलर किस चीज़ का? फेस कलर, स्किन कलर, लाल गुलाबी सा होता है। और लाल सा होता है क्यों, ऐसे क्यों? वो
दुम्बे का वो होता है शोरमा, वो पीते हैं, फिर उससे मतलब कावा चाय भी ज्यादा पीते, इसलिए अक्सर लोगों का मतलब लाल कलर होता है। यानी आप लोग हेल्दी डाइट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? जी बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे आके कैसे एडजस्ट हुए फिर? यहाँ पे बस बलूचिस्तान से माहौल चेंज है थोड़ा, वहाँ पे मतलब जो औरतों का निज़ाम है वो बाहर वगैरह नहीं निकलती है, यहाँ पे गया के बहुत कुछ सीखते हैं, बलूचिस्तान में बस ये माहौल नहीं है। यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा, बहुत पॉजिटिव सोच है, बहुत अच्छी है कि हम यहाँ पे आके सीख रहे हैं। अच्छा, तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, पढ़ रहे हो? यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? स्टडी। वो क्या होता है? स्कूल पढ़ रहे हैं। स्टडी, अच्छा, मुझे सॉरी मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकी उस चीज़ को। स्कूल में पढ़ रहे हो कॉलेज में? स्कूल में। स्कूल में भी इतने छोटे हो, घर वालों से दूर इतना अरसा कैसे रहते हो? बस क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना भी तो है ऐसे। ये बात तो है। तो कितने टाइम बाद चक्कर लगाते हो वहाँ पे? कम से कम 4 या 5 महीने बाद घर के चक्कर लगाते हैं। जब जाते हो तो फिर अम्मी शौक से क्या बनाती हैं आपके लिए? हमारा जब जाते हैं हम 3-4 होते हैं कज़न या भाई लोग, फिर दुम्बे वगैरह ज़िबा करते हैं। क्या बात है, कितने अरसे के लिए जाते हो? हम अगर मतलब यहाँ से 4 महीने बाद जाते हैं ना, वहाँ पे लाजमी 2 या 3 महीने रहते फिर आ जाते हैं यहाँ पे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी बैलेंस तरीके से चलते। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है यहाँ पे? बस अम्मी की आती है। ये बात तो है। खैर सवाल करते हैं आपसे, मुझे बताओ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम क्या है? मेरे ख्याल से तो जो मेरा अंदाज़ा है उस मैं कहता हूँ कद्दू ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है? कद्दू। अच्छा कद्दू। कद्दू, ओके। नहीं लेकिन कद्दू तो बहुत सारे लोग नहीं भी खाते। अच्छा कद्दू का रायता खाया आप कभी? आप नहीं, हमने ऐसी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमने बलूचिस्तान में ज़िंदगी में उसको नहीं देखा। जैसे कि हमने बहुत जैसा कि और एक सब्जी का नाम है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। भिंडी? नहीं, बैंगन? दूसरी कुछ और नाम है अभी। टिंडे? टिंडे, ये मैंने बलूचिस्तान में कभी भी नहीं सुने। चलो अच्छी बात है ना, नई नई चीज़ें देख रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, खा रहे हो, अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ से जाते हुए अपने घर वालों के लिए क्या लेके जाते हो? यहाँ से अक्सर वो बर्तन वगैरह, कप वगैरह, ये वो चीज़ें, शॉपिंग का मतलब कुछ ही सामान, सैंडल वगैरह, ये वो माँ के लिए। चलो ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीला पतीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पीली में पपीता। नहीं नहीं समझ, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है। चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे? मैसेज क्या शेयर करें, कुछ भी अगर कहना चाहो। बस हमारा सबको दिल से सलाम है, ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ एक व्यूअर्स बहुत अच्छी सी फैमिली है, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अपना बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सब। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में जॉब करते हैं, अच्छा सही। तो बच्चे ये दोनों आपके हैं? हाँ जी मेरे अपने बच्चे हैं। अपने बच्चे अच्छा, अपने ही होते हैं सबके। आज फैमिली को लेके आप शॉपिंग पे निकले? हाँ शॉपिंग के लिए निकला था, मैंने कहा एंजॉय भी हो जाएगा और शॉपिंग एंजॉयमेंट भी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा जी, बेगम खास ठीक ठाक खर्चा करवाती हैं फिर? वो उसका तो ना ही पूछो तो अच्छी बात है, ना ही पूछे अच्छी बात है। खैर आपसे सर, आपका नाम क्या था आपने बताया? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए कि ऐसी सब्ज़ी का नाम बताइए जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। मेरे हिसाब से तो बैंगन है शायद। बैंगन? हाँ। नहीं तो आप बता, घर में सबसे ज़्यादा बैंगन खाया जाता है? नहीं नहीं, हम तो सब्जी खाते ही नहीं हैं अक्सर। फिर आप क्या खाते हैं? आप सब्ज़ी नहीं खाते तो क्या खाते हैं? अक्सर बीफ या मटन या चिकन होगा। लेकिन देखें, इतना बीफ मटन चिकन तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सब्जियां डालें ये तो मस्ट हैव इन योर लाइफ ना? वो कभी कभार बस महीने में 1-2 दफ़ा सब्जी पका ली तो बस। हाँ तो फिर आपको कोई फैट्स वगैरह का मसला, कोलेस्ट्रॉल का मसला, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। अच्छा चलें ठीक है, बच्चों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आपके बड़े शाये हैं। हाँ जी। आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? नहीं अभी तो कोई मैसेज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। आसिम, आसिम आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हैं? मैंने अभी इंजीनियरिंग किया। अब मास्टर्स? नहीं नहीं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, ओके। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बाहर ऑस्ट्रेलिया का प्लान है।
क्यों अपने मुल्क को सर्व क्यों नहीं कर रहे? मुल्क में बस हालात जैसे चल रहे हैं इस वजह से। अच्छा, यदि पक्का प्लान है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ जाके क्या करोगे? वहाँ जाके कमा के मुल्क में ले आना है और कोई बिजनेस करना है। अच्छा, चलो ये भी अच्छी सोच है। सवाल करते हैं जी आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताओ ऐसी कोई सब्जी का नाम बताओ जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खाई जाती है। आलू। पक्की बात है? पक्की बात। सोच लें? सोच लिया। अच्छा, कैसे पता आप? हर जगह आपको पसंद है? हाँ पसंद। अच्छा चलो ठीक है, आप हमें कुछ सुनाएंगे। मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई शेर सुना दे। शेर मुझे कोई नहीं आता। कोई नहीं आता आपको? कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यह है कि बस जो है ना, इंसान जो है ना किसी के साथ गलत ना करे, ठीक है, अपने इखलाक को दुरुस्त रखे। जिस इंसान का इखलाक अच्छा है वो। चलिए जल्दी से आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं, उसके बाद आपको इजाज़त देंगे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीतल पपीता पीला पीला। सॉरी ये मुझे नहीं हो, ये ना हो पाएगा हमसे, ना हो पाएगा। ट्राई तो करें। पीतल की पतीली में पीतल का पतीला। चलिए ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप सबने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम आ गए हैं वापस, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक लक्ष्य। बिल्कुल ठीक है लक्ष्य। नाम क्या है आपका? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान कहाँ से आए हो? बलूचिस्तान। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई। क्या पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना चाहते हो? किस चीज़ का बिजनेस करोगे? शॉप। शॉप क्या? शॉप दुकान। ये अच्छा, चलो ठीक है, ओके। मुझे बताओ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले सब्ज़ी का नाम क्या है? भिंडी। भिंडी सोच लो, आपको पसंद है वैसे भिंडी? Yes. मुझे तो पर्सनली भिंडी बहुत पसंद है, और भिंडी में अगर डाल दिया जाए चिकन मटन बीफ कुछ भी, तो उसका जो कहते हैं ना मज़ा दुबाला हो जाता है, वो हिसाब होता है ना। आपको भिंडी बनानी आती है? नहीं पर। अच्छा, भिंडी बनानी नहीं आती, बस खानी आती है। अच्छा, क्या सुनाओगे आप हमें? क्या? कोई शेर? शेर गाना आता है ना। चल ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाते हैं। जो मैं बोलूंगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आप बोलोगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पतीला पीला पीला। पपीता पीला पीला, लोग पतीले पे अड़े हुए हैं। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पतीला पीला पीला। तो भाग जाओ। अच्छा चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैगम अब्बास खान बलोच। अच्छा, मोहम्मद जैगम अब्बास खान बलोच। यस। मोहम्मद जैगम अब्बास खान बलोच, 5 नाम जी एक साथ, खैर है जी? कास्ट जो है खान बलोच। अच्छा, तो इतने नाम एक साथ जोड़ के इतना बोझ लेके क्यों घूम रहे हो? बस नाम कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक देता है। नाम तो हम खुद रखते हैं भाई। नहीं खुद रखते हैं, लेकिन फैमिली रखती है ना फैमिली। चलो ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई हो, खुश हो अपने नाम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अच्छा नाम है आपका, मैं तो एमी शुगर लगा रही थी। क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, सुपीरियर ग्रामर स्कूल में। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ते हो। क्या बनना चाहते हो जिंदगी में, क्या अचीव करना चाहते हो? मैं पॉलिटिक्स बनना चाहता हूँ। और पॉलिटिक्स जी? या पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन। अच्छा, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? हाँ जी। और मैं अच्छा, पॉलिटिशियन बन के क्या करोगे आप? मैं पॉलिटिशियन बन के पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाऊंगा। और क्या करोगे, ऐसा कोई एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ जो आपने सोची हो? मैं हर गरीब को रोज़गार दूंगा। अच्छा, वो तो हर कोई कहता है। नहीं इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। अच्छा चलो, जब बनोगे ना तब देखेंगे, ठीक है। टंग ट्विस्टर के आती हूँ, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीता 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 पीता, ये मुझे नहीं समझ आएगी। अच्छा चलो, कुछ सुनाओगे, कुछ शेयर करोगे? जी मैं ये कहूँगा कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और कोई पता नहीं होता, लोग आसमान से ज़मीन पे भी आते हैं, ज़मीन से आसमान पे भी जाते हैं। बेशक ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ एक और बलोची भाई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको बलोची भाई का कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, नहीं मसला। अच्छा चलें ठीक है। वैसे तो मतलब हम सारे एक ही हैं, एक कौम है, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, ठीक है, लेकिन आप बलोचिस्तान से ना स्पेसिफिकली, तो इसलिए ज़रा मैंने नॉमिनेट किया। अच्छा जी बताइए, नाम क्या है आपका? अब्दुल कयूम केतरान।
कयूम खेतरन। अब्दुल कयूम खेतरन। खेतरन, अच्छा मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो, अब आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे भी बताइएगा, ये खेतरन कास्ट है? जी कास्ट है। अच्छा तो क्या करते हो यहाँ पे? स्टडी करता हूँ। अच्छा स्टडी करते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, गोल्स क्या हैं? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा डॉक्टर बन के क्या करोगे, स्पेशलिस्ट किस चीज़ के बनोगे? मतलब देखो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, दिल के डॉक्टर होते हैं, आँख कान नाक के डॉक्टर अलग होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, तो आप क्या करना चाहते हो? सर्जन अलग होते हैं? आँखों का बनूंगा। अच्छा क्यों? बस ऐसे शौक है। शौक है आपको, अच्छा ठीक है, ओके क्या सुनाओगे आप हमें? शेर सुनाओगे? वाह जी वाह, क्या बात है, अपनी जबान में कोई शेर सुनाए हमें। अपनी जबान में नहीं आता। चलो जिस जबान में आता है उसमें सुना दो। चांदनी चौक से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। चांदनी चौक से होती है, चांदनी चार से होती है, चौक नहीं बोलना आइंदा, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा दोबारा सुनाओ। चांदनी चौक से होती है, चांदनी चार से होती है, चौक का ना अब। चांदनी चार से होती है हजारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। क्या बात है, याद कर गए हो हैं। चलो ठीक है, टंग ट्विस्टर करवाते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पपीता पीता पपीता नहीं पीला पपीता। पीपल पपीता क्या चीज? पीपल की पतीली में पपीता पीला। पपीता क्या होता है? पपीता पीला। से बोलो। पीतल की पतीली में पपीता पीता। अच्छा चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे? क्या करूँगी, क्या करूँ मैं, क्या क्या करते क्या हो तभी से? फ्री टाइम में क्या करते हो यहाँ वक्त गुजारने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए? बस ऐसे इधर घूमने चला जाता हूँ। कहाँ घूमने जाते हो? इधर बीसी जो हो गया, इधर उधर। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी पीपल्स, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है मज़ा आएगा, इन्जॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था, एंटरटेनिंग भी था। आज के प्रोग्राम में एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल शामिल किया था जिसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली सब्ज़ी का नाम क्या है, तो वो है आलू। यानी आलू देखे ना, हर जगह फिक्स हो जाता है, हर सब्ज़ी में, हर जगह, इवन वो गोश्त हो, कहीं भी फिक्स हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि आप आलू बन के रहें अपनी ज़िंदगी में, कहीं भी कैसा भी माहौल हो आप एडजस्ट हो जाएं, फिक्स हो जाएं। खैर अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा। अल्लाह हाफ़िज़।